सो ही देर व्हाट्स गोइंग ऑन यूट्यूब, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन दी चैनल। मेरा नाम है धूमेंद्र और आज के यार इस वीडियो में अपन लोग जो है टॉप टू एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं जो कि मैं अपने डेली लाइफ में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर बात करें तो उसका नाम है ओपन कैमरा। ये जो एप्लीकेशन यार फ्री एप्लीकेशन है और काफ़ी सही एप्लीकेशन है अगर आप जो है डिफरेंट काइंड के जो मोड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपोजर लॉक करना चाहते हैं, वाइट बैलेंस एडजस्ट करके आप जो अपना वीडियो को काफ़ी सही तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी सही एप्लीकेशन है। ऑल दो ये जो एप्लीकेशन है फ्री है इसलिए इसमें लिमिटेड फीचर्स के साथ आता है, बट जो भी फीचर्स दिए गए हैं काफ़ी सही फीचर्स दिए गए हैं। इसमें आपको जो है एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए देखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आपको जो है लॉक करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज अ फिल्मिक प्रो। यार जो एप्लीकेशन है एक पेड एप्लीकेशन है, 1200 से 1300 रुपए के अराउंड का ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैंने कहीं से मॉडेड वर्जन डाउनलोड करके उसको यूज़ कर रहा हूँ। यार ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशन है। ओपन कैमरा के बाद अगर किसी एप्लीकेशन को मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा अगर वीडियो शूट कर रहे हो आप, तो मैं इसी एप्लीकेशन को जो आपको रिकमेंड करूँगा। क्यों? क्योंकि एकदम इतने सारे फीचर्स के साथ ही एप्लीकेशन आता है, मतलब लिटरली यार मज़ा आ जाता है शूट करने में। आपको यहाँ पे 4K एकदम टॉप क्वालिटी का 4K देखने को मिल जाता है जो कि एक फ़ोन में शायद ही शूट होता है। स्टॉक कैमरा की बात अलग है, थर्ड पार्टी कैमरा की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको फोकस रिंग देखने को मिल जाता है जिससे आप मैनुअल फोकस कर सकते हैं किसी चीज़ में या किसी ऑब्जेक्ट में, जो कि काफ़ी सही लगा है मुझे। उसके बाद यहाँ पे आप जूम, जूम इन, जूम आउट करने के लिए भी आपको यहाँ पे स्लाइडर दिया गया है। देन यहाँ पे आप जो है फोकस का जो स्पीड है उसको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको ट्रिगर दिया गया है। देन अगर आप जो है इस ए वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको टेम्परेचर या फिर लाइट्स के फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। इस वाले सेक्शन को अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वाइट बैलेंस कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी सही फीचर है। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।